पानीपत के रहने वाले 63 साल के जसमेर सिंह संधू ने नए साल का जश्न कुछ अलग ही अंदाज में मनाया। उन्होंने नया साल लगातार 24 घंटे दौड़ते हुए कुल 140 किलोमीटर का सफर तय करके मनाया। जसमेर सिंह ने पानीपत के सेक्टर 6 से 2020 के आखिरी दिन सुबह 5 बजे दौड़ना शुरू किया और दिल्ली के सिंगू बॉर्डर तक पहुंचकर किसान आंदोलन को अपना समर्थन जाहिर करते 1 जनवरी 2021 को सुबह 5 बजे तक लगातार 24 घंटे दौड़ते हुए जसमेर सिंह ने कुल 140 किलोमीटर तय कर युवाओं के लिए जज्बे की मिसाल पेश की। इस मैराथन दौड़ को पानीपत रनर्स ग्रुप द्वारा समर्थन करते हुए इसको मॉनिटर किया। मैराथन दौड़ को मॉनिटर करने के लिए जसमेर सिंह संधू ने भी जीपीएस के साथ साथ आधुनिक गैजेट्स का भी इस्तेमाल किया। उनकी इस दौड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप इस एज में भी दौड़ लगाते हो और दूसरों के लिए मिसाल हो, हाँ जी, इसके बारे में बताओ क्या राज है? तो राज तो ये है कि फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को एक बार प्रॉब्लम हुई थी 2010 में, हार्ट की प्रॉब्लम, कि मैंने मेडिसिन सिर्फ 15 दिन ली। सोचा भैया तो पूरी जिंदगी मेडिसिन लूँ या इसकी मतलब इसको मैं ठीक करूँ, तो मैंने वॉकिंग स्टार्ट की और 2-3-4 दिन के बाद ख्याल आया कि लोग मैराथन दौड़ते हैं तो उससे पसीना भी निकलेगा और शायद मेरी ये प्रॉब्लम क्योर हो जाए। तो मैंने 2010 में हाफ मैराथन दौड़ा और वो मैंने तकरीबन 2 घंटे 48 मिनट में पूरा किया 21 किलोमीटर। उसके बाद में 2 महीने बाद टेस्ट करवाए तो मेरे नॉर्मल की तरफ चले थे, जो जितने भी पैरामीटर्स थे मेरे, वो मैंने लगा भाई अब तो इससे ही ठीक होगा, तो मैं लगातार मतलब उस दिन से रनिंग करता हूँ। और पिछले साल से क्या लगा भी जितनी साल मेरी एज होगी मैं उतने ही उस दिन किलोमीटर उतने ही रनिंग करूँगा। तो मैंने 25 अगस्त को 62.4 किलोमीटर रनिंग की, जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगा और एनर्जी फील करता हूँ मैं रनिंग करने के बाद पूरी। और अब जो ये मैंने इस साल में किसान आंदोलन जो चल रहा है और जो एक ये कृषि के ऊपर जो 3 काले कानून सरकार ने थोपे, तो इनके विरोध में और किसानों के समर्थन में मैंने फाइनल किया कि मैं दिल्ली तक अपने किसान भाई जहां बैठे हैं इतनी ठंड में वहां तक जाऊं, उनके समर्थन में के लिए मैंने अपनी ये रनिंग की है। अपने सेक्टर 6 से मैं सुबह 5 बजे चला और अगले दिन 1 तारीख को 5 बजे मैंने अपनी रनिंग पूरी की और इसमें मैंने 140 किलोमीटर का टोटल रन सफर तय किया। इस दौड़ के कारण आपके शरीर में क्या बदलाव आया, जैसे पहले हार्ट की प्रॉब्लम थी उसके बाद अब हाँ बिल्कुल, मेरे अब कोई भी टेस्ट है वो नॉर्मल है, कोई भी टेस्ट जो है वो मेरे नॉर्मल है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और एनर्जी फील करता हूँ पूरा दिन, फ्रेश रहता हूँ मैं अभी चीज़ में। और मैं मतलब मैसेज देता हूँ यंगस्टर्स को कि वो भी सुबह 1 घंटा ज़रूर अपना रनिंग करें और एक्सरसाइज करें ताकि वो आने वाले समय में स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम ना आए। इस एज में आपका रूटीन क्या रहता है और डाइट प्लान क्या है? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और शाम को 8 बजे मैं सो जाता हूँ। तो सुबह उठकर मैं 5 बजे मतलब डेली अल्टरनेट डे भी लगा लो 25 किलोमीटर में रनिंग करता हूँ और फिर 1 घंटा प्राणायाम और सुबह फिर उसके बाद मैं काम पे चला जाता हूँ। डाइट में क्या क्या लेता? डाइट में मैं मेरा मेन डाइट में दूध है, दूध दही पनीर और दालें और वेजिटेबल्स सलाद। मैं रोटी नहीं खाता पिछले 1 साल से, उससे मेरे को और ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। सरपंच साहब, जिस तरह संधू साहब अपने मतलब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और इन्होंने एक ऐसी बीमारी को पछाड़ दिया है सिर्फ रनिंग के कारण, तो इसको लेकर के आप क्या कहोगे? संधू साहब की ये दौड़ की अगर बात देखें जो इन्होंने शुरू कराया इस एज में, हम तो हैरान हैं इस बात को लेके। और जहाँ जहाँ जिसको भी ये पता लग रहा है भाई संधू साहब ने इतनी उम्र में इस तरह से दौड़ लगा रहे हैं, इनका हम तो इनके नज़दीक से इनको जानते हैं, ये पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा कर रहे हैं, इससे तो समाज में एक पूरा बदलाव आ गया। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी इनसे सीख ले रहे हैं, जो बच्चे थे, जो नए बच्चे हैं जो ये सोचते थे हम ऐसा नहीं कर सकते,
इन्होंने उनको, मैं तो ये कहूँगा, इतना उत्तेजित कर दिया एक आगे चल के, इन्होंने पूरे इस समाज को जो इनके संपर्क में आए पूरा उत्तेजित करके ऐसा मतलब खेल की तरफ अपने शरीर के बारे में ऐसा उनके दिमाग करने लगा जो नहीं चाहता वो भी मतलब इसकी तरफ, दौड़ की तरफ या खेल की तरफ, और उसके मन में ये पैदा हो रहा है कि भाई मैं भी किसी काम में कम नहीं रह सकता, पीछे नहीं रहूँगा। और मुझे खुद ही, मैं वेट तो मेरा इनसे बहुत ज़्यादा है, और मैं भी जो है इनसे सीख लेते हुए, मैं तो काम, मैंने तो दौड़ शुरू कर रखी, और मैं सुबह अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं डेली सुबह के टाइम एक घंटा दो घंटा जो है इनको मतलब आगे करके ये मान के चला हूँ भाई मैं भी जो है इतनी तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं पहले नहीं करता था मैंने मतलब शुरू कर रखा और मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा नाम कृष्ण लाल है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।